दोस्तों वैसे तो अलग अलग देश के अलग अलग रीति रिवाज और अलग अलग पोशाक उनके हिसाब से होता है, लेकिन समय के हिसाब से हर देश की जाति जनजातियाँ अपने आप को आधुनिक विकसित करते रहते हैं। ये सब कुछ तो हम सभी जानते हैं, लेकिन अभी भी दुनिया में कुछ ऐसी जनजातियां हैं जो कि अपनी पुरानी पारंपरिक मान्यताओं को मान के चलते हैं और आधुनिक युग के चीजों के इस्तेमाल से दूर रहना चाहते हैं, और पूरी दुनिया के लोग उन जनजातियों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश में हैं, और अभी तक हम लोग जितना भी जान पाए हैं उतना ही जानकर हम आश्चर्य हो जाते हैं। आज मैं ऐसी ही जनजाति के बारे में आपको बताऊंगा। तो फिर दोस्तों इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए, और दोस्तों आपको बता दूं कि इस वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगी है, इसलिए दोस्तों कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। दोस्तों आज मैं नामीबिया के एक इलाके में रहने वाले द हिम्बा जनजाति के बारे में बात करूंगा। अगर हिम्बा जनजाति की कुल जनसंख्या के बारे में बात करें तो इनकी जनसंख्या करीबन 50 से लेकर 60 हजार तक है। ये हिम्बा जनजाति के लोग मिट्टी, पेड़ों की टहनियाँ और पशुओं के गोबर से अपने घर को लेप कर बनाते हैं। ये लोग इस आधुनिक युग में भी अभी तक अपने पारंपरिक मान्यताओं को बहुत ही अच्छे से जकड़े हुए हैं। ये जनजाति मक्का और बाजरा जैसी वर्षा आधारित फसलों को उगाकर एक बड़े तौर पर खेती करते हैं। आपको बता दें कि नामीबिया की जमीन बहुत ही कम उपजाऊ है, उसके बावजूद भी यहाँ पर बाजरा का उत्पादन खूब ज्यादा होता है, और इसके अलावा ये लोग पशुपालन का भी काम करते हैं, जैसे कि भेड़ बकरियाँ, गाय और बैल आदि। ये लोग अपनी धन संपत्ति को अपने मवेशियों की संख्या में गिनते हैं। फसलों और मवेशियों से इनकी खाने पीने की जरूरत पूरी हो जाती है। इनका मुख्य आहार खट्टा दूध और मक्का का दलिया है। ये लोग दलिया बनाते समय उसके अंदर कुछ सब्जियों का भी प्रयोग कर लेते हैं। किसी शादी समारोह या खास मौके पर ये लोग मजे से ही मीट खाना पसंद करते हैं। इनके महिला और पुरुष पारंपरिक तरीके से कपड़े पहनने के आदी हैं। इनके शरीर को ढकने के लिए कपड़ों को पशु की त्वचा से बनाया जाता है। इनके गहने और हेयर स्टाइल महिला, पुरुष और बच्चे की अलग अलग होती है। इनके में सबसे ज्यादा शादीशुदा महिला का गहना बनाया हुआ अच्छा लगता है। इस हिम्बा जनजाति में महिलाएं और लड़कियों को पुरुषों और लड़के की तुलना में बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पर बहुविवाहित प्रचलित है। यहाँ पर हिम्बा पुरुष एक ही समय में दो पत्नियों के पुरुष हैं। यहाँ पर जिस आदमी के पास जितने अधिक पशु होंगे उनके पास उतने ही अधिक पत्नियाँ भी होंगी। वहाँ पर लड़कियों की शादी उनके पिता द्वारा चुने हुए लड़कों से ही होती है। इनकी शादी में मवेशियों और पशुओं का लेन देन भी होता है। इनकी शादी के बाद एक हिम्बा लड़के को पुरुष माना जाता है, लेकिन इनमें एक हिम्बा लड़की के जब तक एक बच्चा नहीं हो जाता उसे पूरी तरह से महिला नहीं माना जाता, यानी कि लड़की से महिला। हिम्बा ट्राइब की लड़कियों को हिम्बा के सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक माना जाता है। लेकिन दोस्तों ये जानकर आप हैरान हो जाओगे कि यहाँ की लड़कियाँ पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार ही नहाती हैं, और वो भी जब नहाती हैं जब उनकी शादी होती है। लेकिन जिंदगी भर नहीं नहाने के चलते भी ये लोग अपने आप को फ्रेश रखती हैं। उनके बाल जानवर के बालों और गाय के गोबर के मिश्रण से बंधे हुए होते हैं। उनके बालों को ऐसा करने में करीबन 12 घंटे तक का समय लगता है। उन्हें पूरी तरह से पानी का इस्तेमाल करना बिल्कुल मना है। यहाँ तक कि ये लड़कियाँ कपड़े तक भी नहीं धो सकती। यहाँ की महिलाओं का त्वचा का रंग भी लाल होता है। दोस्तों इसके पीछे एक बड़ा कारण है, हिम्बा जनजाति की लड़कियाँ नहाने के बजाय एक प्रकार की जड़ी बूटियों को पानी में उबाल कर उसके भाप से अपने बॉडी को फ्रेश रखती हैं, ताकि उनके शरीर से बिल्कुल भी बदबू ना आए, और उसकी खुशबू से इनकी बॉडी कभी ना नहाने के बावजूद भी काफी फ्रेश लगती है। और ये लोग इसके अलावा अपने बॉडी को धूप से बचाने के लिए एक खास तरह के लोशन का इस्तेमाल करती हैं। ये लोशन जानवर की चर्बी और हेमाटाइट के धूल से तैयार किया जाता है। हेमाटाइट लोहे की तरह एक खनिज तत्व है। हेमाटाइट के धूल की वजह से उनकी त्वचा का रंग लाल हो जाता है। ये खास तरह का लोशन उन्हें कीड़ों के काटने से भी बचाता है, और कहा जाता है कि ये महिलाएं इस वजह से भी हेमाटाइट का प्रयोग करती हैं, ताकि उनका रंग लाल हो जाए और इसके अलावा वो दूसरों से अलग भी दिखें। और इनके अजीबोगरीब तरीके से यहाँ की महिलाएं दुनिया की नजर में आने लगी, और हिम्बा ट्राइब धीरे धीरे मशहूर भी होने लगे। ये जनजाति जादू टोनों पर बहुत ही ज्यादा विश्वास करती है, और इन लोगों का मानना है कि इनकी मृत्यु काले जादू की वजह से होती है, और जिस वजह से ये लोग अपने गॉड को भी बहुत ही ज्यादा मानते हैं।
हिम्मा ट्राइब्स के देवता मुकुरु हैं और ये लोग अपने इष्ट देवता से बात करने के लिए पवित्र अग्नि का प्रयोग करते हैं। इन लोगों का मानना है कि जब आग जलती है तो फिर उनकी आवाज उनके इष्ट देवता तक जाती है और इस दौरान ये लोग खड़े होकर अपने देवता से बात करते हैं और जब आग बुझ जाती है तो इनकी प्रार्थना समाप्त हो जाती है। दोस्तों आपको कैसा लगा आज का ये वीडियो? अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में दिए गए बेल आइकन को भी दबा देना। जब तक आप बेल आइकन को नहीं दबाओगे तो आपको अगली वीडियो नहीं मिलेगी। बस आज के लिए इतना दोस्तों, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। ओके बाय।